अपनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता के 13वें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे। कर्मयोग, भक्ति योग के बाद ज्ञान योग का अध्ययन कर रहे थे और हमने अन्य शास्त्रों में भी पढ़ा, जैसे कि सांख्य दर्शन में भी हमने पढ़ा, रीते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। हमारा जो भी चिंतन होता है, मनन होता है, वाणी, व्यवहार, आचरण, जो कुछ भी हम दिन भर करते हैं, उसके मूल में हमारा ज्ञान होता है। जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसे हमारे अभ्यास होते हैं, जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसे हमारी वाणी होती है, और वो जो कुछ वाणी व्यवहार हम दिन भर करते हैं, सोचते हैं, वो हमारा कर्माशय बन जाता है, वो हमारा अस्तित्व बन जाता है, वो हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, और उसी स्तर पे हमारा जीवन पहुँचता है, ऊँचा या निम्न या मध्यम, सामान्य, जो भी। तो ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा है। तो हम ज्ञान योग का अध्ययन कर रहे थे, तो ज्ञानी बनने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने अन्य शास्त्रों में भी पढ़ा और गीता में भी हमने पढ़ा, 12वें अध्याय में भक्ति योग में भगवान कृष्ण बताते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो इस श्रेष्ठ ज्ञान को, ये ठीक है, जो ज्ञानी पुरुष हैं इस संसार में, जो तत्ववेत्ता हैं, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, जो सिद्ध महर्षि हैं, उनको इस संसार का कोई भी दुख टच नहीं कर पाता है। उनके लिए ये संसार ऐसा ही संसार होते हुए भी आनंद से भरा हुआ है। और हमने देखा कि जो सामान्य मनुष्य हैं वो कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी धूप में, कभी छांव में, कभी खुशी, कभी गम, ऐसा उनका जीवन चलता है। और जो अत्यंत निम्न चेतना वाले लोग होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता है। तो ये हमें अंतर तो मालूम पड़ता है, लेकिन वो ज्ञान हम प्राप्त कैसे करें, कैसे बने वो ज्ञानी। तो कल हम पढ़ रहे थे कि अगर हमें ज्ञान योग का अभ्यास करना है तो ये गुण पहले हमारे अंदर होनी चाहिए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। सबसे पहला आधार अध्यात्म का, ज्ञान योग का, अमानित्वम। व्यक्ति को अभिमानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान अपने आप में ही एक अज्ञान है, और उस अज्ञान से फिर जो कुछ भी उसके पास है वो सब भी अज्ञान से युक्त होकर के उसका फिर कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। इसलिए, और व्यक्ति की ये सबसे बड़ी वीकनेस है, उसके पास कोई छोटी सी चीज आते ही उसको लगता है कि मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूँ। तो ये जो दूसरे से अपने आप को स्पेशल मानने की जो भावना है, इससे अभिमान पैदा होता है। और यहाँ से फिर वो कितने भी शास्त्र पढ़ के, कितना भी उसके पास शब्द ज्ञान है, वो सारा का सारा शब्द ज्ञान एक क्षण में अज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, और कभी कभी तो होता भी नहीं है व्यक्ति के पास कुछ, लेकिन तो भी वो दूसरे से सुयश की कामना करते हुए, उससे कुछ मुझे लोग अच्छा समझें इस भावना से ना होते हुए भी वो कुछ प्रदर्शन करना चाहता है। तो इसकी हमने कल चर्चा की थी, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा,
हिंसा व्यक्ति तभी करता है दूसरे की जब उसको कहीं किसी दूसरे से भय लगता है कि कहीं मेरी वस्तु को कोई छीन ना ले, कोई मेरे व्यक्ति को छीन ना ले, वस्तु को छीन ना ले, ये जो मुझे सुखद परिस्थिति मिली है इसका कहीं हनन ना हो जाए। अहिंसा शांति, आर्जवम ऋजुता, आचार्योपासनम अपने आचार्य की उपासना करना, क्योंकि ज्ञान बिना गुरु के नहीं आता है, बिना आचार्य की सन्निधि के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। भक्ति बिना गुरु के भी कर सकता है व्यक्ति, कर्म बिना गुरु के भी कर सकता है, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति और विशेष करके शब्द ज्ञान की, शास्त्र ज्ञान की उत्पत्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती है। और गुरु अपना ज्ञान तब तक नहीं दे सकता है जब तक कि हम उसका प्रियाचरण ना करें, जब तक कि हम उसकी सन्निधि में जाकर उसके अनुकूल व्यवहार आचरण ना करें। तो ये एक गीताकार ने एक शर्त बताई है कि यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो फिर आपको आचार्य की उपासना करनी पड़ेगी। उपासना का मतलब ये नहीं है कि आचार्य कोई बहुत अभिमानी होते हैं और जो कोई उनका उनके वस्त्र आदि धोते हैं, उनको अच्छे से खाना खिलाते हैं, उनके पैर दबाते हैं, मालिश करते हैं, इस प्रकार की सेवा करते हैं तो फिर वो ज्ञान देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ आचार्य उपासना का मतलब है जो आचार्य की चेतना का स्तर है, जो पवित्रता, जो आत्मसंयम, जो ब्रह्मचर्य और जो एक बड़ा लक्ष्य और एक आत्मवेत्ता बन करके आत्मस्थिति में रहना, वो जो आचार्य का चेतना का स्तर है, उसी प्रकार का स्तर जब शिष्य का होता है तो वो अपने ज्ञान को उसमें प्रदान कर सकता है, तब ज्ञान का आदान प्रदान होता है। और इसी को कहा है गुरु का शक्तिपात, शक्ति का अपने शिष्य में आदान करना। आगे बताया शौचम, पवित्रता शुचिता। अपवित्रता में कभी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए जो चित्र बनाया ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, उसका वाहन भी हंस है जो कि श्वेत कलर का है, श्वेत रंग का है, और सरस्वती का जो परिधान है, जो उसके वस्त्र हैं, वो भी श्वेत, और वो श्वेत कमल के ऊपर ही विराजित है। तो श्वेत जो है वो पवित्रता का, शांति का प्रतीक है। अपवित्रता में कभी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो हमारी वाणी की पवित्रता, हमारे विचारों की पवित्रता, हमारे भावों की पवित्रता, अंतःकरण की पवित्रता, जितनी जितनी हम पवित्रता करते जाएंगे, शुचिता हमारी बढ़ती जाएगी, उतना उतना ज्ञान अभिव्यक्त होता चला जाएगा। ज्ञान तो पहले से ही है हमारी अंतरात्मा में, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्म हमारी आत्मा में ही विराजमान है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है क्योंकि बीच में बैरिकेड्स हैं, राग द्वेष अहंकार अभिमान दंभ घृणा, ये सब उसमें बाधा डालते हैं। तो इसलिए शौचम शुचिता पवित्रता और स्थैर्यम, कभी व्यक्ति एक दो महीना या एक दो साल या चार पाँच साल साधना करता है, अपने चित्त को पवित्र करने की कोशिश करता है, और फिर उसको लगता है इतना तो कर लिया, अभी तो मुझे कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं, तो पता नहीं आगे होने वाली है कि नहीं, ऐसे ही बहका देते हैं ये शास्त्रों में। तो ऐसा सोच के कभी कभी वो पलायन करने का सोच लेता है, अपने मार्ग से हट जाता है साधक कभी कभी। तो इसलिए यहाँ पर कहा स्थैर्यम स्थिरता, क्योंकि एक किसान भी जब कभी खेत में से पानी निकालने के लिए कुएं की खुदाई करता है तो वो तब तक वहाँ खुदाई करता चला जाता है जब तक कि पानी ना निकल आए। अब ये एक परिस्थिति के ऊपर, एक स्थान विशेष के ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी 15 फीट पे भी पानी निकल आता है, हमारे हरिद्वार जैसा जो स्थान है जहाँ गंगा का इतना प्रबल प्रवाह है, और कभी इधर हम राजस्थान या दक्षिण हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ 300-400 फीट तक भी पानी नहीं आता है, तो वहाँ पहाड़ी पहाड़ आते रहते हैं, पत्थर ही पत्थर आते रहते हैं। तो ये जो हरिद्वार में रहने वाला व्यक्ति है, यदि ये इधर आकर के कुआं खोदना चाहे
तो इसको लगेगा कि यहाँ तो पानी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ 15 फीट पे निकलता था, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 फीट खोदेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 फीट खोद लेगा, तो इसको लगेगा कि नहीं यहाँ पानी नहीं निकल सकता है। तो ये हमारे सबके चित्त की स्थिति अलग अलग है। किसी एक व्यक्ति को एक ही वर्ष में उस आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जो शुकदेव जैसे ऋषि थे, उनको जन्म से ही वो उस ज्ञान को लेकर के ही पैदा हुए। किसी किसी को हमने सुना कि उन्होंने 10-12 वर्ष तक तप किया, एकांत में रहे, तब जा कर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे अलग अलग ऋषियों का अलग अलग टाइमिंग है। इसलिए योग दर्शन में भी कहा, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वो जो चित्त की स्थिरता का, चित्त की वृत्तियों को रोकने का जो अभ्यास है, वो कब तक करना चाहिए? तो कहा सतु दीर्घकाल, वो अभ्यास दीर्घकाल तक करना चाहिए। अब दीर्घकाल से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। दीर्घकाल मतलब क्या? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, ऐसे कोई वहाँ पर समय की सीमा नहीं बताई। वो दीर्घकाल हमारे चित्त की स्थिति पे निर्भर करता है। जितना जितना हमने अंदर अज्ञान को, दोषों को एकत्रित किया है, संग्रहित किया है, उसको हटाने में हमें उतना ही समय लगेगा। किसी व्यक्ति ने दोष एकत्रित किए ही नहीं, बहुत थोड़ा सा हल्का सा उसके चित्त के ऊपर कोई मैलापन है, तो वो तो बहुत जल्दी उसको हटा देगा। जैसे एक व्यक्ति ने वो कपड़े पहन करके मार्केट में गया और हल्का फुल्का सा उसके ऊपर कुछ गर्द आदि लगा, उसने बाहर अपने घर में आकर के हल्का सा उसमें डिटर्जेंट डाल के पानी में भिगोया वस्त्र को, एक बार भिगोते ही वो वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। अब दूसरा व्यक्ति जो है वो पूरे दिन भर कोयले की खान में काम कर रहा है या वर्कशॉप में, गैरेज में काम कर रहा है। अब उसके कपड़े शाम को आकर के जब वो पानी में डालता है, साबुन के पानी में या वॉशिंग पाउडर के घोल करके पानी में डालता है, तो एक बार उसको डुबोने से तो वो बिल्कुल काले ही बाहर निकलेंगे। एक बार डुबोने से जो स्थूल मल है कपड़े का वो तो निकल जाएगा। उसके बाद तो फिर उसको उसके ऊपर फिर से साबुन की टिकिया से फिर हाथ से भी रगड़ना पड़ता है, और कभी कभी तो इतना गंदा होता है कि उसको डंडे से भी पिटाई करनी पड़ती है या पत्थर के ऊपर उसको डाल के उसकी पिटाई करनी पड़ती है, तब कहीं जा कर के वो मल निकलता है। तो हमारे चित्त में भी शुचिता, कब हमारा अंतःकरण पूर्ण पवित्र होगा, ये उसी के ऊपर निर्भर है। हमने गंदा कितना किया है, कितने वर्षों से किया, कितने जन्मों से किया। इसलिए साधक को ज्ञान प्राप्ति में स्थैर्यम, स्थिरता, धैर्य, इसी को दूसरे शब्दों में धैर्य, धीरज रखना चाहिए, कितना भी लंबा काल क्यों ना हो। और जो बड़े ऋषि हैं, मनीषी हैं, वो बताते हैं कि इस अध्यात्म के मार्ग में असफलता जैसी तो कोई वस्तु होती ही नहीं है, कभी भी असफलता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जैसे मान लीजिए हमें 100 मीटर जाना है या 100 किलोमीटर जाना है, और अब हम गए 1-2 किलोमीटर हम पहुँचे और तभी हमें बहुत थकान हो गई और हमें लगता है इससे आगे तो चल ही नहीं सकते हैं हम, और फिर हमें लगता है कि मैंने तो मंजिल तो पाई ही नहीं, मैं तो चला, ये तो मेरा व्यर्थ हो गया, असफल हो गया मेरा चलना। असफल नहीं हुआ, 100 किलोमीटर में से आपने यदि 2 किलोमीटर भी चला तो अब मंजिल बच गई 98 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर की सफलता तो मिली ना, क्यों नहीं मिली? और हम विश्राम करके फिर थोड़ा आगे चलें तो हो सकता है हम 10 किलोमीटर आगे पहुंच जाएं, तो फिर तो 100 में से हमारे पास 90 किलोमीटर ही बचा। तो जितना जितना हम अपने चित्त का सुधार करते हैं, जितना जितना हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, उतना उतना हमारा सदा सदा के लिए समाप्त ही हो जाता है। तो असफलता जैसी कोई चीज है नहीं अध्यात्म में। अगले श्लोक में कहा और क्या होना चाहिए, शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह माने आत्मसंयम, अपने आप का संयम। ये बहुत बड़ा शब्द गीताकार ने कहा है, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, जिसने स्वयं का मन जीता
उसी ने जगत को जीता है। हम अपने सुख के लिए हमेशा दूसरे से ही मांगते रहते हैं, आप ऐसा करें तो हम खुश हो जाएं, हमारे सामने ऐसी परिस्थिति हो तो हम खुश हो जाएं, हमारे जीवन में से इस व्यक्ति को हटा दिया जाए तो फिर कोई कष्ट नहीं है। तो हमारी दृष्टि हमेशा बाहर होती है, हम दूसरे के ऊपर संयम करना चाहते हैं, लेकिन गीताकार उससे उल्टा कह रहे हैं। यदि आपको आत्म साक्षात्कार करना है, अगर आपको सच्चे ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, आत्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है और सदा सदा के लिए आपको सुखी होना है, तो आपको सारा पुरुषार्थ अपने ऊपर करना है, आत्म संयम। दूसरा व्यक्ति मेरी बात नहीं मान रहा है, ये ठीक है, क्योंकि उसके अपने संस्कार हैं, उसका अपना चित्त है, अपना अंतःकरण है, लेकिन मेरा मन तो मेरी बात मान सकता है, ये मेरा अपना मन है, इसको मैं और मुझ आत्मा में इतनी शक्ति है कि मैं अपने मन को जैसे चाहूँ, जिस परिस्थिति में भी सेट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, यही तो मेरी आत्मा की शक्ति है, यही तो मेरा ऐश्वर्य है। और यदि मैं इसका प्रयोग नहीं करता हूँ तो मैं करोड़पति होते हुए भी फिर भिखारी जैसे जीता हूँ। तो हर व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में ये बात नहीं अपने मन में आने देनी चाहिए कि ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये ऐसी ही बात है जैसे किसी व्यक्ति के पास करोड़ों करोड़ों रुपए का खजाना हो, हीरे मोती सोना चांदी सब हो, बैंक बैलेंस हो, और फिर वो ये कहे कि मैं तो 5 रुपए का काम तो नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब या तो उसको अपने शक्ति का एहसास नहीं है, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है उसके ज्ञान में, और या उसको एहसास है तो फिर ये उसकी नादानी है ऐसे कहना। तो ऐसे ही हम आत्माओं को, हमारे अंदर अनंत शक्ति है और हमें उस शक्ति का एहसास करते हुए कभी भी जीवन में कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, आखिर कठिन रास्तों के ऊपर भी तो कोई ना कोई व्यक्ति तो चले ही हैं आज तक, तो जब वो चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते हैं? कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है संसार में जो बिल्कुल नई हो कि आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे से पहले बहुत लोग इस मार्ग पे चल चुके हैं, हमारे से भी ज़्यादा प्रतिकूलताएं, कष्ट बहुत लोगों के सामने आ चुके हैं, और ये तो हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है। ऐसा सोच करके जो साधक आत्म संयम करता हुआ, अपने आप पर संयम करता हुआ और स्थिरता धैर्य पूर्वक आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे कहा, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ, अर्थ मतलब विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं, और इनमें से एक एक में भी जब आकर्षण होता है, एक एक में भी जब व्यक्ति का राग होता है, तो एक एक विषय भी उस व्यक्ति को मृत्यु तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होता है। और जिस मनुष्य के अंदर 5ों के 5ों के प्रति राग है, उसकी स्थिति क्या बनेगी ये विचारने योग्य है। जैसे पतंगा जो है, जो बारिश काल में जो चींटे निकलते हैं, तो उसको लाइट बहुत अच्छी लगती है, उसका रूप, चमकता हुआ रूप उसको बहुत अच्छा लगता है। उस रूप को प्राप्त करने के लिए वो उस लाइट के पास जाता है, और उसको प्राप्त करने के लिए, उसका स्पर्श पाने के लिए, उस रूप का उसको टच करता है और वहीं वो अपने प्राण खो देता है। तो वो किस पे मरता है? पतंगा, रूप के ऊपर। रस, जो मछली पकड़ने वाले हैं वो कांटे के ऊपर थोड़ा सा मांस का टुकड़ा या आटा डाल के वो कांटा उसमें पानी में डालते हैं, और मछली को उसको खाने के लिए, उसका रस लेने के लिए इच्छा होती है, वो जाके उस कांटे को अपनी जिह्वा से चखना चाहती है,
और उसकी जीवा उसी कांटे में फंस जाती है और मछुआरा उसको बाहर निकाल लेता है। तो अपने प्राण उसने केवल जिह्वा के रसना के कारण अपने प्राण संकट में डाल दिया, अपना जीवन तबाह कर दिया। रूप, रस, गंध, भौंरा गंध लेने के लिए पुष्प के ऊपर जाकर के बैठता है और उसको लगता है कि अभी उड़ जाऊं मैं, क्योंकि अभी सूर्यास्त होने वाला है, सूर्यास्त होते ही ये कमल बंद हो जाएगा, लेकिन उसको लगता है थोड़ी सी गंध और ले लेता हूँ, अभी तो थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी सी और ले लिया। ऐसे करते करते वो उस पुष्प को छोड़ना नहीं चाहता है और तभी उसको पता भी नहीं लगता है कब सूर्यास्त हो गया और पुष्प जो है वो बंद हो गया। अब वो बंद पुष्प में भी ये सोच रहा है कि कोई बात नहीं, रात्रि बीतेगी, फिर सुबह सूर्योदय होगा, फिर ये कमल खिलेगा, फिर मैं उड़ जाऊंगा। तो भी उसको बंद हुए हुए भी आशा है कि मैं इसको रात रात भर और ले लेता हूँ इसकी सुगंध को। और तभी प्रभात काल होने से पहले ही कोई हाथी वहां नदी के पास आता है और वो उस कमल की नाल को तोड़ के खा लेता है और भंवरे का जीवन समाप्त हो जाता है। तो गंध के कारण उसके प्राण चले गई। रूप, रस, गंध, स्पर्श, हाथी जैसा जो प्राणी है इतना बलवान है लेकिन उसको स्पर्श से बहुत सुख मिलता है। तो जब उसको वश में करना होता है, किसी हाथी को पकड़ना होता है, तो ये क्या करते हैं महावत लोग, किसी दलदल में एक कोई कागज रख करके, कत्ता रख करके, और उसके ऊपर एक हथनी का चित्र बना देते हैं, एक कागज का हथनी बना देते हैं, और वो उस हथनी को स्पर्श करने के लिए वहां जाता है और दलदल में गिर जाता है, फिर निकल नहीं पाता है। उसके बाद वो उसको क्रेन आदि से निकाल के अपने वश में कर लेते हैं। तो ये स्पर्श के कारण अपना जीवन खतरे में डाल देता है। और शब्द, एक विशेष प्रकार का हिरण होता है, कुरंग बोलते हैं, और वहां जो शिकारी है वो एक नाद बजाता है, एक बाजा बजाता है, इसको वो शब्द बहुत अच्छा लगता है हिरण को। ये उस शब्द के पीछे पीछे जहां से आवाज आ रही है उस तरफ बढ़ता चला जाता है और शिकारी ने पहले ही जाल बिछा रखा है, ये जाकर के उस जाल में फंस जाता है शब्द के कारण। तो ये पांच विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनमें से ये जो मैंने उदाहरण दिए, ये एक एक विषय को, एक एक विषय से आसक्त होकर के उसकी तरफ बढ़े थे और उन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर दिया। लेकिन इस मनुष्य का क्या बनेगा, ये तो पांचों के पांचों के प्रति राग युक्त है, इसको शब्द भी चाहिए, स्पर्श भी चाहिए, रूप भी चाहिए, रस भी चाहिए, गंध भी चाहिए। इसलिए यहाँ गीताकार ने कहा, यदि आप विषयों में, जो इंद्रियों के पांच विषय हैं, इनके प्रति यदि आप संयमी नहीं हैं, तो फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। तो क्या करें फिर, जो विषय हैं तो क्या हम उनसे बिल्कुल दूर भागें, और भाग सकते भी नहीं हैं। हमें कुछ ना कुछ रूप भी देखने को मिलेगा संसार में, कुछ ना कुछ खाने के लिए रस भी चाहिए, शब्द भी, स्पर्श भी, सारे ही विषय प्रयोग तो करने ही पड़ेंगे जब हमारा जीवन है तो कैसे हम बरते हैं इस संसार में। तो इन्होंने बताया कि उनमें राग नहीं रखना है, हम उनका प्रयोग तो करें लेकिन उसमें अंतर होता है, एक राग युक्त होकर के उनका उपभोग करना और दूसरा वैराग्य युक्त होकर के। जो ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो भी तो खाना खाते ही हैं, वो भी तो इस संसार में रहते ही हैं, वो भी किसी न किसी व्यक्ति से तो संबंधित होते ही हैं, अपने शिष्यों से होते हैं या किसी मित्रों से होते हैं, लेकिन वो सब इस संसार का सदुपयोग करते हुए भी उनसे थोड़ा सा गैप बना करके रखते हैं, अत्यंत नहीं चिपक जाते हैं, तो इसलिए वो बच जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने बताया, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अन अहंकार एवच, और उनको प्राप्त करके अहंकार भी नहीं आना चाहिए। व्यक्ति को अहंकार भी कब आता है, अहंकार आता है जब हम अपने आत्मा को और इस संसार को एक ही रूप में समझ लेते हैं। मैंने अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लिया, तो अब जब मेरा शरीर अच्छे वस्त्रों से अलंकृत होता है तो मुझे लगता है मैं अलंकृत हो गया। जब मेरे शरीर को अच्छा खाने के लिए मिलता है
तो मुझे लगता है मुझे खाने को मिल रहा है, कितना अच्छा भोजन मिला। जब मेरे शरीर को कहीं सुखी स्थान पे रखा जाता है, सुख देने वाले स्थान पे, तो हमें लगता है मैं सुखी हूँ। तो ये सारे अहंकार, मैं और मेरे का अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब हमने देह आदि के साथ, अपनी देह के साथ और इस देह के साथ जिनका संबंध है, जो संसार के लोग हैं, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, मित्र संबंधी, उन सब के साथ भी हमने मैंपन का व्यवहार कर लिया, उसके साथ हमने अपने अस्तित्व को जोड़ लिया, तो उसके कारण फिर अहंकार आता है। जैसे कोई शरीर है, वो कोई डॉक्टर हो सकता है, वो कोई प्रिंसिपल हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, ये सारे शरीर के पद हैं और उस शरीर के पद को हम अपना पद मान लेते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये सारे अहंकार, और उसके कारण हम दूसरे को थोड़ा सा अपने से कम मानते हैं और अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा श्रेष्ठ मानते हैं। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है। मेरे पास लाखों करोड़ हैं, इसके पास तो दो पैसे भी नहीं है। मेरे पास तो इतना बड़ा मकान है, इसके पास तो छोटा सा ही है। मेरे पास तो इतनी महंगी गाड़ी है करोड़ों रुपए की, इसके पास तो सामान्य सी 5-7 लाख रुपए की गाड़ी है। मेरा बच्चा तो इतना ज़्यादा पढ़ लिख गया, इसका तो सामान्य स्कूल में ही पढ़ रहा है। तो हम दूसरे से श्रेष्ठता अनुभव करते हैं, और यहाँ तक कि हर व्यक्ति हमेशा अहंकार के कारण अपने से कोई ना कोई अपने से छोटा वो ढूंढ लेता है और कहता है मैं इससे ऊपर हूँ। जो एक एम्प्लॉई है जो पूरे दिन कंपनी में काम करता है, तो ठीक है, कंपनी में तो उसको पता है कि मेरा बॉस जो है वो मुझसे बड़ा है, वहाँ इसका अहंकार जागृत नहीं होता। लेकिन यही व्यक्ति जब घर में आता है तो ये अपने बच्चों के ऊपर बॉस बन जाता है, अपनी पत्नी के ऊपर बॉस बन जाता है, क्योंकि इसको भी तो अपने अहंकार की तुष्टि करनी है, कहीं ना कहीं तो इसको भी बड़ा होना है। फिर बच्चे वहाँ तो मान लेते हैं कि चलो ये हमारे पिता हैं तो ये हमारे से बड़े हैं, हम इनसे कनिष्ठ हैं। पत्नी भी सोचती है कि मेरी इसके साथ शादी हुई है तो चलो ये ही सब कमा के लाता है, तो इसको मैं अपने से थोड़ा ऊँचा मान लेती हूँ, मैं थोड़ा अपने को वहाँ मान लेती हूँ। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उससे जो आयु में छोटा है या ज्ञान में उससे छोटा है, जिससे जिस बच्चे के इस बच्चे से कम नंबर आते हैं, वहाँ वो अपने को श्रेष्ठ मानता है कि इस बच्चे ने तो 70% मार्क्स प्राप्त किए, मैंने तो 90 किए, इसलिए मैं इससे वरिष्ठ हूँ। तो किसी न किसी रूप में व्यक्ति अपने अहंकार को पुष्ट करता ही रहता है, और ये अहंकार पुष्ट तभी होता है जब हम किसी को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं या अपने को किसी दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसका नाश कैसे हो सकता है? ज्ञान से। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है, मैं भी एक आत्मा हूँ, ये भी एक आत्मा है, ये इस संसार में अपना रोल प्ले कर रहा है, मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, तो कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो ना उसमें कोई श्रेष्ठता है किसी में, ना किसी में कनिष्ठता है, दोनों की आत्मा बराबर ही है। व्यवहार अलग अलग हो सकते हैं, व्यवहार अलग होना बिल्कुल अलग बात है, और अपने चित्त में अहंकार होना ये बिल्कुल अलग बात है। व्यवहार तो अलग करना ही पड़ेगा, जो व्यवहार हम अपने गार्ड के साथ करते हैं जो गेट पे खड़ा है, वैसा ही व्यवहार हम ऊपर जो सातवें मंजिल पे हमारा बॉस बैठा है या गुरु बैठा है, उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। जब हम गेट पे जाते हैं तो गार्ड हमें प्रणाम करता है, और हम ऐसे ही बिना गर्दन झुकाए ऐसे ही हाथ से ऐसे करके उसका प्रणाम ले लेते हैं और हम ऊपर लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ऊपर हमारे गुरु बैठे हैं या हमारे बॉस बैठे हैं, जब हम उनके सामने जाते हैं तो फिर हमारे दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, फिर हमारी गर्दन भी झुक जाती है और थोड़ा हमारा हृदय भी झुक जाता है, और उससे भी ज़्यादा हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो क्या इस आत्मा में और जो गार्ड खड़ा था गेट पे उस आत्मा में कोई अंतर है? आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो भी वैसी ही आत्मा है, ये भी ऐसी ही आत्मा है, लेकिन ये संसार का व्यवहार है, वो हमें करना ही चाहिए।
व्यवहार तो कभी भी एक समान नहीं हो सकता है, व्यवहार तो यथा योग्य ही होता है और यथा योग्य होना भी चाहिए, तभी संसार चलता है। लेकिन जो भाव, एक आत्मा का भाव हमने अपने गुरु के प्रति रखा, वही स्वाभिमान का भाव हमें उस गार्ड के साथ भी रखना चाहिए। वो भी एक आत्मा है, उसका भी अपना एक स्वाभिमान है। वही एक गौरव का भाव हमें अपने नौकर के साथ भी रखना चाहिए, अपने ड्राइवर के साथ भी रखना चाहिए। वो भी एक आत्मा है, उसका भी अपना एक स्वाभिमान है, उसका भी अपना एक आत्मसम्मान है। तो कभी भी उसको छोटा समझ करके हमें उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।